हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल, कलर्स विद कोमल के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक लेके आई हूँ जो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। तो मेरी पहली किचन टिप्स जो बहुत ही काम की है, क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी रोटियां बना लेने के बाद उसके लिए जो आटा लगाया था ना, वो थोड़ा बहुत बच जाता है, या कभी कभी हमें किसी वजह से रोटियों के लिए आटा पहले ही लगाना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, अगर आप आटे को किसी एयर टाइट डब्बे में भी स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा कि आटे के ऊपर एक कड़ी सी लेयर जम जाती है जो बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो किसी काम की नहीं होती है। तो ऐसे में हमें उस कड़ी लेयर को निकाल के फेंकना ही पड़ता है, जिससे बहुत सारा आटा बर्बाद हो जाता है। तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी ट्रिक, जिससे अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर भी ना हो तो भी आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप अपने हाथों में थोड़ा सा तेल ले लें, लगभग 2-3 ड्रॉप ही तेल रहेगा। और उसके बाद जो आटा आपने लगाया है ना, उसको अच्छे से उसकी ऊपरी परत को तेल से कवर कर ले। इसके बाद आपको लेना है एक अल्मोनियम फॉयल और अपने आटे की डो को अल्मोनियम फॉयल में रख करके उसे अच्छे से कवर कर दे, बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करेंगे, और फिर इसे उठा के अपने फ्रिज में रख दे। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की ट्रिक है ये। आप देखेंगे कि अगर 8 से 10 घंटे बाद भी अगर इस आटे की डो को आप इस्तेमाल में ला रहे हैं तो आपका आटा बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जिस तरह से आपने इसे लगाया था। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेश आटा, ऐसा लग रहा है कि इसकी डो को अभी तैयार किया गया है। और इस पे जो ऑयल की हल्की सी परत लगाई थी ना, उसकी वजह से आटा बिल्कुल भी अल्मोनियम फॉइल पे नहीं चिपका। मेरी दूसरी किचन टिप्स है, पहले किचन टिप में मैंने आटे की डो से जो ये अल्मोनियम फॉइल अलग किया था ना, आप सोच रहे होंगे ये बेकार हो क्या है, लेकिन इसे इस तरह से फोल्ड करके आप अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रबर की तरह काम करेगा ये, आपके बर्तनों से सारे स्टेन गायब हो जाएंगे। तो है ना कमाल के किचन टिप्स, आम के आम और गुठलियों के दाम। मेरी तीसरी किचन टिप्स एंड ट्रिक है, जब हम सब्जियां बनाते हैं तो इनके छिलके अच्छे खासे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं। मैं क्या करती हूँ, इन्हें फेंकने के बजाय इन्हें अपने आंगन में स्टोर करती हूँ, जिससे पौधों के लिए अच्छी खाद बन जाती है। फोर्थ नंबर की किचन टिप्स एंड ट्रिक धनिया पत्ती को लेकर के है। इस मौसम में धनिया की पत्ती बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मेरे बताए तरीके से धनिया पत्ती अगर आप स्टोर करेंगे तो आपकी धनिया की पत्ती बहुत लंबे समय तक चलेगी। सबसे पहले हम सभी धनिया पत्ती के जड़ वाले हिस्से को काट लेंगे। इसके बाद, क्योंकि ये धनिया पत्ती गीली थी तो मैंने इसे अच्छे से धो करके अखबार के ऊपर फैला दिया है। अब अखबार से इसे पोंछ लूँगी ताकि इसका सारा पानी अखबार सोख ले, नहीं तो इसे पंखे के नीचे फैला के रख दूँगी ताकि इसका पानी सूख जाए पूरी तरह से। ये देखिए, धनिया पत्ती पूरी तरह से सूख गई है, इसका सारा पानी सूख चुका है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका। अब इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख करके इसे फ्रिज में रख देंगे, बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपकी धनिया पत्ती बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फिफ्थ नंबर की किचन टिप्स एंड ट्रिक हरी मिर्च को लेके है। धनिया पत्ती की तरह हरी मिर्च भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है इस मौसम में, तो क्या करना होगा इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, सबसे पहले सारी हरी मिर्च को अच्छे से धो करके किसी न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लेंगे और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें एक एक हरी मिर्च लेना है और इसकी इस डंडी को बस ऊपर से ऐसे तोड़ देना है। ये देखिए, ये हमने हरी मिर्च लिया और इसकी डंडी को ऐसे तोड़ दिया। इस तरह से हमें सारी हरी मिर्च के डंडी को अलग कर देना है और फिर एयर टाइट डब्बे में सारी मिर्च हरी मिर्च को स्टोर कर लेना है और फ्रिज में रख देना है। इस तरह से सारी हरी मिर्च बहुत ही लंबे समय तक इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। अब मौसम आम का है तो आम से रिलेटेड टिप्स तो होनी ही चाहिए।
जब भी आप आम लाएं तो उसे खाने से पहले कुछ देर के लिए फ्रिज के ठंडे पानी में डिप करके रखें। इससे क्या होगा, आम की गर्माहट खत्म हो जाएगी और आम खाने पे आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।